हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे हाउ टू सेट अप अलर्ट्स फॉर स्ट्रीमलैब्स OBS। तो अगर आप भी अपना गेमिंग इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए नए नए गेमिंग ट्यूटोरियल्स लाता रहूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी तक आपने देखा कि स्ट्रीमलैब्स को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कैसे सेटअप करते हैं और हाउ टू साउंड लाइक अ प्रो। आज हम बात करेंगे सब्सक्राइबर गोल्स कैसे सेट करें और अलर्ट्स कैसे लगाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्सक्राइबर गोल्स की। तो सब्सक्राइबर गोल ऐड करने के लिए इस छोटे से प्लस आइकन पे क्लिक करिए और यहाँ से हम सब्सक्राइबर गोल सेलेक्ट करेंगे। इन सेटिंग्स को हम अभी डिफॉल्ट पे ही छोड़ देंगे बिकॉज हम इसे कभी भी स्केल कर सकते हैं। सो क्लिक डन। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक सैम्पल गोल बन के आ चुका है। अब सब्सक्राइबर गोल की सेटिंग करने के लिए हम इस सब्सक्राइबर गोल टैब पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से विजिट सेटिंग्स पे जाएंगे। ये हमारे ब्राउज़र में एक नया टैब खोलेगा जो कि बेसिकली हमारे स्ट्रीमलैब्स का डैशबोर्ड है। यहाँ से आप अपने सब्सक्राइबर गोल का टाइटल दे सकते हो। अब आप यहाँ से अपना गोल अमाउंट डिफाइन कर सकते हो। जैसे आपका गोल है 100 सब्सक्राइबर्स, तो यहाँ हमने 100 डाल दिया। और स्टार्टिंग अमाउंट, जैसे कि अगर आपके चैनल पे 30 सब्सक्राइबर पहले से हैं तो आप यहाँ पे अपना स्टार्टिंग अमाउंट डाल सकते हो। और यहाँ आप डेट डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे कि मैं अगर चाहता हूँ कि 10 तारीख तक, तो 10 तारीख तक मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएं। अब यहाँ से सिंपली हमें स्टार्ट गोल पे क्लिक कर देना है। अब अगर आप अपने स्ट्रीमलैब्स में देखोगे तो आपका गोल अपडेट हो चुका है और जैसे ही कोई आपको सब्सक्राइब करेगा तो यहाँ आपका गोल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगर आप इसका लेआउट या फिर कलर चेंज करना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें वापस से जाना होगा अपने विजेट सेटिंग्स पे और सबसे पहले आपको अपना गोल एंड करना होगा, क्योंकि कोई भी सेटिंग करने के लिए हमें इसे फिर से रीसेट करना पड़ता है। तो मैं फिर से यहाँ पे नाम दे देता हूँ। अब हमें जाना है सेटिंग्स के पैनल पे। अब आप यहाँ से इसे स्टैंडर्ड या फिर कंडेंसेंट चेंज कर सकते हो। सो बेसिकली सेकेंड लेआउट में आपका गोल और आपका नाम ये सब कुछ एक ही टैब के अंदर रहेगा। अब हम बात करते हैं कलर्स की। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड कलर वाइट है, तो अगर आप इसे चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से इसे किसी भी कलर का कर सकते हो। ये है हमारा टेक्स्ट का कलर। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो जैसे ही मैंने अपने टेक्स्ट का कलर चेंज किया मेरा टेक्स्ट अभी वाइट से रेड हो गया। तो मैं फिलहाल इसे वाइट पे ही छोड़ देता हूँ। ये हमारे बार का टेक्स्ट है जो यहाँ पे शो करता है। तो इस बार के टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हो। और ये है हमारे बार का कलर। जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे आपका बार फुल होता जाएगा। और ये है हमारे बार के बैकग्राउंड का कलर, ये जो वाइट कलर है। तो आप इसे वाइट, ब्लू या जो भी कलर चाहो रख सकते हो। यहाँ से आप अपने बार के थिकनेस को एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। और यहाँ से आप इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। अब हम इन सेटिंग्स को सेव कर देते हैं और यहाँ से मैनेज गोल में आके अपना गोल स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही आप स्टार्ट गोल पे क्लिक करोगे स्ट्रीमलैब्स में आपकी सेटिंग्स अपडेट हो जाएंगी। और जैसा कि अब आप देख सकते हो हमारे बार का कलर चेंज हो चुका है और हमारा सब्सक्राइबर गोल्स एक्टिवेटेड है। तो अब हमारा सब्सक्राइबर गोल्स सेट हो चुका है। अब हम बात करते हैं अलर्ट बॉक्स की। तो अलर्ट बॉक्स को ऐड करने के लिए इस प्लस आइकन पे क्लिक करिए। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से अलर्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। ऐड सोर्स, आप यहाँ से जो नाम चाहो दे सकते हो, ऐड सोर्स। और अब हमारा अलर्ट बॉक्स का लेआउट खुल चुका है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में देखोगे यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग्स है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए उसे ऑफ कर देता हूँ, जैसे कि क्लाउडबॉट स्टोर और मर्च, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने लेआउट को एडिट कैसे करें। तो सबसे पहले हम अपने लेआउट को चेक कर लेते हैं। तो अपने विजेट्स को टेस्ट करने के लिए आप अपर राइट कॉर्नर में टेस्ट विजेट बटन पर क्लिक करो और यहाँ से आप अपने विजेट को टेस्ट कर सकते हो। आप उसका एक प्रीव्यू देख सकते हो। तो अभी मैं डोनेशन पर क्लिक करूँगा। तो ये हमारे डोनेशन का प्रीव्यू है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो इस डोनेशन के प्लस आइकन पे क्लिक करो और यहाँ राइट साइड में आपको इसकी सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ टाइटल दिखेगा इसका, मैसेज टेम्पलेट, तो इसे मैं डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ। तो सबसे पहले ये आपको डोनेटर का नाम दिखाएगा, उसके बाद डोनेटेड और फिर अमाउंट। तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। यहाँ से आप चाहो तो इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मीडिया की। तो मीडिया बेसिकली वो इमेज है जो शो होगी कभी भी अगर कोई आपके चैनल पे कुछ डोनेट करता है। तो अगर आप इस मीडिया को चेंज करना चाहो तो सिंपली इस चेंज मीडिया पे क्लिक करो। यहाँ से आप स्टॉक फाइल्स में जा सकते हो और जो भी एनिमेशन आपको अच्छा लगे उस पर डबल क्लिक कर दो। अब अगर आप इस विजेट को दोबारा से टेस्ट करो तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारा एनिमेशन चेंज हो चुका है। तो आप यहाँ से अपने एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हो। जैसे अभी ये फेड इन हो रहा है, अगर आप इसे चेंज करना चाहो तो यहाँ कुछ अलग अलग एनिमेशंस हैं जिसे आप चेक कर सकते हो। तो अभी अगर मैंने शेक लगा दिया तो देखो ये कैसे हिल रहा है।
तो यहाँ और काफी सारे एनिमेशन दिए हुए हैं, जैसे कि बाउंस इन। अभी जैसा कि आपने देखा हमारी इमेज एकदम से बाउंस हुई। तो सेम वे आप यहाँ से डोनर मैसेज अगर आप दिखाना चाहो कि जिसने भी डोनेट किया है, अगर वो आपको कोई मैसेज कर रहा है और आप उस मैसेज को डिस्प्ले पे शो करना चाहते हो, तो आप इस मैसेज को ऑन कर सकते हो, या फिर अगर आप अपने डोनेटर के मैसेज को शो नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली इसे यहाँ से ऑफ कर दो। तो सेम इसी तरीके से आप अपने सुपर चैट, सब्सक्राइबर और बाकी सारी चीज़ें भी एडिट कर सकते हो। अगर आप अपने सब्सक्राइबर की इमेज या फिर मीडिया को चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से मीडिया पे आओ, चेंज मीडिया, स्टॉक फाइल्स, और जब भी आपको कोई सब्सक्राइब करता है तो आप जो भी इमेज डिस्प्ले करना चाहते हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपली डबल क्लिक करो एंड डन। तो अभी हम इसकी पोजीशन देख लेते हैं। तो ये बेसिकली आपके अलर्ट बॉक्स का एरिया है, इतने एरिया में ये शो होगा। तो मैं अभी इसे मिडिल टॉप में रखता हूँ, और यहाँ से आप टेस्ट विजेट को ऑन करके अपने सब्सक्राइबर, मेंबरशिप, डोनेशन और सुपर चैट सारी चीज़ों को चेक कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपका प्रीव्यू है। अगर आप इसे छोटा करना चाहो तो आप इसे सीधा यहाँ से स्केल करके और जहाँ पे भी आप रखना चाहो वहाँ पे इसकी प्लेसमेंट कर सकते हो। तो गाइज ये था सब्सक्राइबर गोल्स और अलर्ट बॉक्स लगाने का सबसे सिंपल तरीका। अब हम बात करते हैं कि अगर आप अपने इन गेम ओवरले में अपने रीसेंट सब्सक्राइबर या फिर डोनर को दिखाना चाहते हो तो आप वो कैसे कर सकते हो। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले अपने इंटरमिशन वाले सीन पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले करने में काफ़ी इजी रहेगा। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं रीसेंट सब्सक्राइबर की। तो अगर आप रीसेंट सब्सक्राइबर ऐड करना चाहते हो तो इस प्लस आइकन पे क्लिक करो। यहाँ से हम स्ट्रीम लेवल ले लेंगे, ऐड सोर्स, और मैं इसका नाम रीसेंट सब्सक्राइबर कर देता हूँ। क्लिक ऑन ऐड सोर्स, यहाँ से आप अपने रीसेंट सब्सक्राइबर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे टाइप करिए रीसेंट, और ये यहाँ हमें मोस्ट रीसेंट सब्सक्राइबर का टैब दे देगा। अब मैंने अपने मोस्ट रीसेंट सब्सक्राइबर पे क्लिक कर लिया। सबसे पहले हम लेवल टेम्पलेट में इस नेम को ऐसे डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। तो बेसिकली ये हमें अपने सब्सक्राइबर का नाम शो करेगा। अगर आप यहाँ से फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मैं अभी इसे सब कुछ डिफ़ॉल्ट पे ही छोड़ देता हूँ, और हम सिंपली डन पे क्लिक करेंगे। अब हमें अपना रीसेंट सब्सक्राइबर मिल चुका है। तो सबसे पहले मैं इसकी प्लेसमेंट अपने लेआउट के अंदर कर दूंगा। तो जैसा कि अब आप देख सकते हो, हमें अपने रीसेंट सब्सक्राइबर का नाम अपने स्ट्रीम लेबल के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब अगर आप इसमें कोई एनिमेशन ऐड करना चाहो, जैसे कि सिंपली एक रोल कि ये नाम यहाँ मूव होता रहे, तो उसके लिए आप इस रीसेंट सब्सक्राइबर पर राइट क्लिक करो, और यहाँ से फिल्टर्स में जाके हम सिंपली एक स्क्रॉल इफेक्ट लगाएंगे, डन। अब हम इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अभी मैंने इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड को 20 कर दिया। तो अब आप जैसा कि देख सकते हो हमारा नाम एनिमेट हो रहा है। तो यहाँ से सिंपली डन पे क्लिक करो, और अब आपका सब्सक्राइबर नेम एनिमेट होता रहेगा। तो अब अगर आप नोटिस करो तो हमारे सब्सक्राइबर का नाम लेफ्ट और राइट दोनों साइड से कट रहा है। तो अगर आप इसे किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर फिक्स करना चाहते हो या फिर इस एरिया को बढ़ाना चाहते हो, तो दोबारा से इस रीसेंट सब्सक्राइबर पर राइट क्लिक करो। यहाँ से हम फिल्टर में जाएंगे, और यहाँ से हम लिमिट विड्थ ऑन कर देंगे। तो जैसे ही मैंने लिमिट विथ ऑन करी, यहाँ एक वैल्यू आ जाएगी। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू 100 होती है। तो अगर आप इस टेक्स्ट पे नोटिस करो, जैसे ही मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ, अब ये नाम पूरे एरिया में कवर हो रहा है। तो आप इसे सिंपली यहाँ से मूव कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसे फिर से छोटा कर सकते हो। तो मैं इसे थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, सो अराउंड 300। तो अब अगर आप देखो तो हमारे रीसेंट सब्सक्राइबर का नाम परफेक्टली स्क्रॉल कर रहा है। तो अब आप इसी तरीके से अपने रिसेंट डोनर या फिर फॉलोअर, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं चैट बॉक्स की। तो चैट बॉक्स ऐड करने के लिए सिंपली इस प्लस आइकन पे क्लिक करो। यहाँ से हम चैट बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे एंड क्लिक ऐड सोर्स, चैट बॉक्स, ऐड सोर्स। अब अगर आप चाहो तो यहाँ से अपने फॉन्ट सेटिंग चेंज कर सकते हो। तो जो भी आप फॉन्ट का कलर रखना चाहो, तो यहाँ आपको अपने फॉन्ट का प्रीव्यू दिख जाएगा। जैसे मैंने अगर इसे ग्रीन किया तो हमारा फॉन्ट ग्रीन हो गया। और यहाँ से आप अपनी थीम चेंज कर सकते हो, जैसे कि अगर आप इसे बॉक्स रखना चाहो तो ये आपको अपनी चैट्स ऐसे दिखेंगी। इसी तरीके से आपको यहाँ पे ट्विच की थीम मिल जाएगी, ओल्ड स्कूल। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपनी सेटिंग को रख सकते हो। मैं इसे फ़िलहाल बॉक्स कर देता हूँ एंड क्लिक ऑन डन। और आप अपने चैट बॉक्स को अपने चैट बॉक्स के लेआउट के ऊपर प्लेस कर सकते हो। तो अब आपके पास जो भी मैसेजेस आएंगे लाइव स्ट्रीम पे, वो आपको यहाँ डिस्प्ले करेंगे। सो गाइस, ये था स्ट्रीमलैब्स OBS के अलर्ट बॉक्स ओवरले का ट्यूटोरियल। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप लाइव स्ट्रीम करोगे तो आपकी स्ट्रीम और भी प्रोफेशनल दिखेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए और काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स लाता रहूँगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैप्पी गेमिंग गाइज़।